मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रल्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स। इंटीग्रल्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो इनडेफिनिट इंटीग्रल, और ये भी साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रल्स क्या है और इंटीग्रल्स एक्चुअल में इसका रियल मीनिंग क्या है, और जो हम लोग स्टडी करेंगे वो इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो आइए जो है समझने की कोशिश करते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स, जैसा मैंने बताया कि इंटीग्रल्स इज इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, एंड सेकंड इज डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो आइए हम लोग समझें कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या है। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि इंटीग्रल्स क्या है। इंटीग्रल्स इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल्स is the reverse process of derivative. या डेरिवेटिव को हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रल्स क्या होगा, क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे कि इसमें क्या होगा कि जैसे अगर मैंने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो वो जो है कोई दूसरा फंक्शन बन गया। अब अगर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है और ये कहा जाए कि ये फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप उस फंक्शन को फाइंड आउट करिए, यानी डेरिवेटिव गिवन है तो उस फंक्शन को फाइंड आउट करिए कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करने से वो फंक्शन हमको मिला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 x टू द पावर 3। अब अगर हमको जैसे ये फंक्शन गिवन है कि 4 x क्यूब गिवन है और मुझे ये फंक्शन फाइंड आउट करना है क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो अगर ये फंक्शन गिवन है और मुझे उल्टा रिवर्स ये फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करें, उसका क्या प्रोसेस होगा, या कौन सा मेथड्स, कौन सा रूल्स हम जो है फॉलो करें जिससे हमको इस फंक्शन से हमको ये फंक्शन मिल जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रल किस रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर ये एक्स वेरिएबल में है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको वापस एक्स टू द पावर 4 फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक इसमें
एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। कांस्टेंट क्यों ऐड किया जाता है? यहाँ पे प्लस सी लगाया जाता है। प्लस सी क्यों लगाया जाता है? इसका रीज़न आप इधर देखिए। जैसे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 + 1, तब भी आपका 4x³ आएगा। या अगर मैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 + 3 इज इक्वल टू 4x³, तब भी इसका डेरिवेटिव यही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लगा दें तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लगाया गया है ये मुझे नहीं पता है। तो फिर मुझे इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जब फंक्शन मिलेगा तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये कौन सा कांस्टेंट था जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया है ये मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होगा जिस कांस्टेंट का नाम है सी। अच्छा, सी क्या होगा? सी इज़ एनी कांस्टेंट। हम इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं जानते हैं कि ये कौन सा कांस्टेंट है, 3 है 5 है या 1 है 2 है -5 है, ये कौन सा कांस्टेंट है मुझे नहीं पता है। तो जब मुझे नहीं पता है तो इसीलिए इस इंटीग्रल्स का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि इस कांस्टेंट, ये कौन सा कांस्टेंट है, 5 है 1 है 2 है 3 है -7 है 15 है, कौन सा कांस्टेंट ये है मुझे नहीं पता है। इसीलिए जब नहीं पता है इसलिए इस इंटीग्रल्स को हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो सी की वजह से ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो है इंटीग्रल्स क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और जो है इसको हम जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्योंकि पढ़ रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों कहते हैं? इस सी की वजह से, क्योंकि सी क्या है, कौन सा कांस्टेंट है मुझे नहीं पता है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। अब क्योंकि इंटीग्रल्स यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स या इंटीग्रल्स जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर हम डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी का अगर हम रिवर्स कर दें तो वो इंटीग्रल्स के फार्मूले बन जाएंगे। जैसे अगर आप जानते होंगे कि डी वाई डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो अगर हम इस कॉस एक्स का इंटीग्रल करें, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो हमको मिलेगा साइन एक्स प्लस सी। तो ऐसे हम सभी फार्मूले को जो है डेरिवेटिव के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को हम ड्राइव कर सकते हैं, इस तरीके से जो है उसको लिख सकते हैं, और ये इस तरीके से एक लिस्ट ऑफ फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आप, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।